गाइस, क्या आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फिर कहीं गुम हो गया और मिल नहीं रहा? तो गाइस, इसकी कंप्लेंट आप ऑनलाइन कैसे करेंगे? तो गाइस, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना और गाइस, आपका मोबाइल 100% मिलेगा। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या होगा। तो गाइस, किसी दूसरे का आपको मोबाइल ले लेना है या फिर आपका दूसरा मोबाइल हो तो वो ले लेना है, और उसके बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको सर्च करना है CEIR। आप तो गाइस यहाँ पर CEIR टाइप करके आपको सर्च कर देना है यहाँ पर सर्च बार में, और यहाँ से गाइस सबसे ऊपर आ गया है CEIR, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। इसका अर्थ होता है गाइस दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो गाइस, साइट के ओपन होने के बाद ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद गाइस यहां पर आ चुका है गुम चोरी मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। और गाइस, इस साइट को खोलने के बाद आपको अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा इसमें, जो भी मोबाइल में डाला हुआ था SIM1 और SIM2 वाला, और इसके बाद आपके बिल में जो भी IMEI होगा SIM1 वाला और SIM2 वाला IMEI, दोनों IMEI डाल लेना है यहाँ पर। और गाइस, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गाइस यहाँ पर डिवाइस ब्रांड मांगेगा, तो गाइस यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का था। तो गाइस, इसमें बहुत सारी कंपनियां आ जाती है, तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, जैसे कि हमारा मोबाइल ओप्पो वीवो MI रियलमी जो भी हो उसको सर्च करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। और गाइस, नीचे की तरफ मांगेगा डिवाइस मॉडल, तो गाइस यहाँ से डिवाइस का मॉडल डाल देना है, जो भी मॉडल का आपका मोबाइल था जिस कंपनी में, जैसे कि हमारा मोबाइल A5S था, तो यहाँ से A5S डाल के क्लिक कर देना है। और गाइस, अब नीचे की तरफ मांग रहा है आपका मोबाइल का फोटो, अगर गाइस मोबाइल का फोटो हो तो आपको डाल लेना है, नहीं तो आप गूगल क्रोम से भी निकाल सकते हो उस मोबाइल का फोटो जिस कलर में था। गाइस, अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो गाइस यहाँ पर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका मोबाइल जिस एरिया में खोया है वहाँ का इन्फॉर्मेशन लगेगा। तो गाइस यहाँ पर लॉस्ट प्लेस पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपका जिस एरिया में मोबाइल खोया है वहाँ के बारे में डाल लेना है। और गाइस, थोड़ा नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पर लॉस्ट डेट मांग रहा है, तो गाइस जिस तारीख को आपका मोबाइल खोया है उस तारीख को आपको यहाँ पर डाल लेना, और गाइस यहाँ से आपकी लोकेशन डाल लेना है जिस लोकेशन पे आपका मोबाइल खोया हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश यहाँ से डाल लेंगे, यहाँ से फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट झांसी डिस्ट्रिक्ट के तहसील मऊरानीपुर में हमारा मोबाइल खोया हुआ था, तो गाइस यहाँ पर मऊरानीपुर भी आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर तहसील में। और गाइस, जिस एरिया में आपका मोबाइल खोया था तो वहाँ के थाने में आपको कंप्लेंट करानी है, और उसी कंप्लेंट का नंबर यहाँ पर डाल लेना है गाइस, और उस कंप्लेंट का गाइस आपको फोटो यहाँ पर निकाल के इसके अंदर फाइल में चूज फाइल में जाके आपको फोटो भी अपलोड कर देना है उस कंप्लेंट का। और गाइस, आपने ऑनलाइन अगर कंप्लेंट की है तो गाइस उसका FIR नंबर भी यहाँ पर नीचे की तरफ सेलेक्ट करके यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसका फोटो डाल लेना है। और गाइस, थोड़ा नीचे आएंगे तो अब यहाँ से मोबाइल ऑनलाइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो गाइस जिसका मोबाइल था उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगेगी। तो गाइस, अब अपना यहाँ पर नेम डाल लेंगे, इसके बाद नीचे एड्रेस में आएंगे तो फुल एड्रेस अपना डालेंगे खुद का, और यहाँ से आइडेंटिटी अपलोड करनी है आपको, तो गाइस यहाँ से आपके पास जो भी आइडेंटिटी हो, आधार पैन वोटर जो भी हो, तो गाइस उस पर टिक करके यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। तो गाइस, मैं आधार कार्ड पे टिक करूंगा, और गाइस अब हमें नीचे की तरफ अपना आधार कार्ड का चूज फाइल यहाँ से क्लिक करके गाइस यहाँ पर आधार कार्ड का आपको फोटो भी यहाँ से अपलोड कर देना है। और गाइस, थोड़ा नीचे की तरफ उसको लगेंगे तो भाई आइडेंटिटी नंबर मांगेगा, तो गाइस आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ से फिल कर लेंगे। और गाइस, अब हम यहाँ से जीमेल आईडी भी यहाँ से डाल लेंगे, तो गाइस जो भी आपकी जीमेल आईडी हो तो गाइस यहाँ से जीमेल आईडी इसको डाल लेना है। और गाइस, यहाँ पर दिख रहा है गाइस इमेज में, तो गाइस ये कैप्चा है, तो गाइस नीचे की तरफ फिल कर रहे हैं इस कैप्चा को, जैसे कि एंटर द टेक्स्ट इन इमेज, तो गाइस इसी में आपको इस कैप्चा को लिख लेना है। तो गाइस, इस कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, मोबाइल नंबर मांगेगा, तो गाइस यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, और गाइस यहाँ से वो गेट OTP पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से नीचे की तरफ टिक लगा के गाइस यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ से आपकी कंप्लेंट डल जाएगी ऑनलाइन, और आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, जिसके पास मोबाइल होगा गाइस वो चला नहीं पाएगा, और गाइस पुलिस के पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपकी, और गाइस आपका चोर पकड़ जाए या फिर आपका मोबाइल मिल जाए तो गाइस उसको अनब्लॉक करने के लिए अनब्लॉक फंड मोबाइल पर क्लिक कर देना है। और गाइस, यहाँ से ये पेज खुल के आ गया, तो गाइस आपकी रिक्वेस्ट आईडी मांगेगी, जो गाइस आपने ब्लॉक किया था मोबाइल तो उसमें रिक्वेस्ट आईडी आई होगी, तो गाइस उसमें रिक्वेस्ट आईडी डाल लेना है, और यहाँ से मोबाइल नंबर भी डाल लेना है। और गाइस, आपका मोबाइल किन रीजन में मिला या किन रीजन में खोया था, तो गाइस उस रीजन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, रिकवरी बाय पुलिस द्वारा मिला तो भाई रिकवरी बाय पुलिस पर क्लिक कर
देना है। और गाइस यहाँ पर कैप्चा डाल के गाइस उसको इसमें कैप्चा फिल कर लेना है इस इमेज वाला। और गाइस यहाँ से मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा। गाइस आपका मोबाइल कहीं पर भी खोया हो तो गाइस इस प्रकार से आपका मोबाइल मिल सकता है। गाइस जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, इस प्रोसेस को करने के बाद आपका मोबाइल 100% मिल सकता है गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस आपको तो पता ही है कि आपका भाई कभी भी फेक वीडियो नहीं लाता और रियल वीडियो ही हमें। तो गाइस एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली।